हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, टुनाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी इस पर्सन के लेट नाइट थाट्स आपके लिए क्या रहेंगे। ओके वीवर्स, तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम यही सब देखने की कोशिश करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थाट्स, उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या रहेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे ये पर्सन, और क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, तो यही सब देखने की कोशिश करने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर रहेगी और टाइमलेस रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं प्लेफुलनेस, गाइडेंस, रीबर्थ, द लवर्स, प्रोजेक्शंस एंड करेज। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप एक बार अपने उस पार्टनर को विजुअलाइज़ कर लें जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें प्लेफुलनेस की, तो आज रात आपका पर्सन अपनी फीलिंग को छुपाने की, हाइड करने की कोशिश करेगा। इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो रहेंगे, इस पर्सन का खुद का बस नहीं चलेगा इसके इमोशंस पर। ये आज रात बहुत रोएंगे आपको याद करके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती थी। इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहता है ये पर्सन, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पर्सन उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात इस पर्सन के दिल में इस कदर गम भर चुकी है, इस कदर इस पर्सन को दुखी कर चुकी है, जो ये आपसे भी छुपा रहे हैं, और आज रात भी ये पर्सन इस बात को अपने दिल में छुपाए रखेंगे और आपके सामने हंसने की और मुस्कुराने की कोशिश करने वाले हैं ये पर्सन। अगर इस पर्सन की आपसे बात होती है तो ये पर्सन इसी एनर्जी में रहेंगे, आपको अपने गम छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश जो है ना इस पर्सन की, वही दिखाएंगे कि ये पर्सन बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन तो ग्रो कर रहे हैं, ये पर्सन तो जीवन में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और ये पर्सन के जीवन में तो कोई दुखी नहीं है। तो इसी तरह ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस के साथ साथ गाइडेंस है, और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसा आप इस पर्सन को देखना चाहते हैं ये वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड रीबर्थ है, तो देख रहे हैं ना इस पर्सन ने अपने आप को किस कदर चेंज कर दिया है, अपने आप को बदल लिया है, आपके लिए बदला है। तो आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल दिया है पूरी तरह से। अगर आप पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में भी हैं तो भी ये पर्सन खुद को बदल रहा है आपके प्यार के खातिर, क्योंकि इस पर्सन को उम्मीद है इस रिलेशनशिप में आज भी। तो ये पर्सन को उम्मीद है कि आप अगर ट्रू लवर्स हैं एक दूसरे की, तो एक होकर रहेंगे, इसलिए ये पर्सन इस वक्त अपने पे वर्क कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इस पर्सन का रिबर्थ हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास द लवर्स का कार्ड भी है और रिबर्थ भी है, और ये दोनों ही कार्ड इस पर्सन के बदलने के बारे में बता रहे हैं, इस पर्सन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड प्रोजेक्शंस एंड करेज हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन में अगर पास में आप देख पाते थे कि इस पर्सन में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है आपके लिए कुछ करने की, स्टैंड लेने की, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस पर्सन में करेज आती जा रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है जीवन में, और ये पर्सन आप में खुद को और खुद को आप में देख पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक हैं, एक ही सोल से बने हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसा ही फील करने वाले हैं और ऐसा ही सोचने वाले हैं। और अगर देर रात इस पर्सन के थॉट्स की बात करें तो सबसे पहला ख्याल इस पर्सन के मन में यही आएगा कि ये जो चीज़ें आपसे छुपा रहे थे उनको किस तरह से हाइड करके रखा जा सके कुछ टाइम के लिए, और आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा सकें, ये जो इमोशनल साइड अपनी है ना जो आपको शो नहीं करते हैं उसे अभी भी हाइड करके ही रखने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन जो कुछ करने के लिए करेज ला रहे हैं उसको भी अभी छुपा रहे हैं। ये पर्सन पूरी तरह खुद को चेंज करके आपके सामने लाने के बारे में सोचते हैं ना, तो ये जो सेकंड थॉट है इस पर्सन के मन में यही आएगा कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, आज भी आप दोनों के जो दिल हैं एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हैं कि आप दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कने पहचान जाते हैं। आप कितना भी दूर रहें एक दूसरे से या फिर करीब रहें, दूर रहकर करीब रहकर एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर पाते हैं, एक दूसरे की जो सोच है ना आप दोनों अच्छे से जान चुके हैं। बट यहाँ पर अभी भी इस पर्सन को इस बात का एहसास नहीं है कि आप इस पर्सन के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। इस पर्सन को पूरी तरह से जान चुके हैं, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो इस पर्सन के दिल में
दुख है ना उसे आप जान नहीं पाए हैं। ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसके बारे में आप बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। बट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन भी खुद को अच्छे से नहीं जान पाया जितना कि आप इस पर्सन को जान चुके हैं, और ये पर्सन अभी भी इस बात से अनजान है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और अगर हम इस पर्सन की मिडनाइट फीलिंग्स की इमोशंस की बात करें तो इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो आपके लिए एक ऐसे रहने वाले हैं जैसे कि इस पर्सन को ये महसूस होगा कि जैसे कि ना आप इस पर्सन से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि आप भी कुछ हाइड करते हैं इस पर्सन से, आपके पास में कुछ ऐसा रहा है जिसे इस पर्सन से छुपाया जा रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी ये पर्सन फील करते हैं, और आज रात भी ये पर्सन ऐसा महसूस करेंगे आपकी किसी बात की वजह से या फिर पास में आप दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई थी उसके बारे में ये पर्सन सोच के ना ऐसा महसूस करने वाले हैं। और अगर हम इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें ना तो यहाँ पर ये पर्सन बहुत एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आज रात इस पर्सन के मन में एक ऊर्जा सी, एक ज्वाला सी भड़कने वाली है। इस पर्सन में जैसे करज आ गया है, ये पर्सन ये सोचेंगे कि अगली जब सुबह होगी ना तो ये पर्सन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो ये पर्सन आज रात कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स ना बढ़ती जा रही हैं और इस पर्सन के मन में आपके लिए जो लेट नाइट थॉट हैं वो भी इस पर्सन को ना थोड़ा आपके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। इस पर्सन के मन में नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई जो इस पर्सन की थिंकिंग है ना इसको एहसास कराती जाती है कि इसे ये करना है आपके लिए, इसके वो करना है, कुछ नया करना है आपके लिए। आपके प्यार के खातिर इस पर्सन ने जो बदलाव खुद में लाए हैं उनको आपको बताना है, तो किस तरह से बताना है, कब, कैसे और किस तरह से आपको अपनी फीलिंग्स शो करनी है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे बदलाव इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में भी चाहिए क्योंकि यहाँ रिबर्थ ना सिर्फ एक रिश्ते का नहीं होने जा रहा है, यहाँ पर इस पर्सन में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो इस पर्सन को महसूस हो भी रहे हैं और अभी आ भी रहे हैं। तो आज रात ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में तो सोचेगा ही, साथ में आपके बारे में भी सोचेगा और अपने बिहेवियर के बारे में भी सोचेगा कि अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद इस पर्सन को 90% प्यार करते हैं ना, तो ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप अब 100% इस पर्सन से प्यार करने लगे। तो इसी तरह से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, और अगर आपको इस पर्सन से कुछ शिकायतें हैं कि ये काफ़ी स्लो एक्शन लेते हैं, बहुत ही स्लो रफ्तार से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में भी ये पर्सन आज रात सोचने वाले हैं और अपने एक्शन में ना तेज़ी लाने वाले हैं, अपने आप में करेज लाने वाले हैं। इस पर्सन को एहसास होगा कि अगर ये चाहे तो पत्थर में भी फूल उगा सकता है, ये आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जो ऐसे बदलाव इस पर्सन में आ रहे हैं ना वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन में करेज आती जा रही है और आपकी गाइडेंस इस पर्सन को और भी ज़्यादा निखारती जा रही है। आपका प्यार इस पर्सन को ये हिम्मत दे रहा है, ये जज्बा पैदा कर रहा है। ओके व्यूअर्स, तो आज रात इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स इस तरह के रहेंगे, इस पर्सन की डीप फीलिंग्स और इमोशंस इसी तरह के रहने वाले हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस तो ट्रू रहेंगे ही, साथ में इस पर्सन के जो मिडनाइट फीलिंग्स हैं ना आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहने वाली हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।